Hi everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. आज की वीडियो शॉर्ट और बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, सो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपके बहुत से डाउट जो है आज की वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला डाउट बच्चों को यही आ रहा है कि बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं सुबह के कि क्या मैम 25th का एग्जाम जो था या फिर हमारी स्पीकिंग आने वाली है एक दो दिन में, कि क्या वो कैंसिल होने वाली है। या एक क्वेश्चन और बहुत सा जो मुझसे पूछा जा रहा है बार बार कि मैम अप्रैल की डेट बुक कर दूं, एग्जाम कैसा आएगा अप्रैल में, कौन सा सेंटर चूज करूं, क्या होगा लेवल जो है अप्रैल मंथ का आपके अकॉर्डिंग, तो प्लीज सजेस्ट कीजिए। सो ये सारे क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में कवर होंगे, सो बने रहिए वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप वीडियो देखते देखते एंड में भूल जाते हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या 25th मार्च का एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया है या नहीं हुआ। तो फ्रेंकली स्पीकिंग कि अभी तक कोई भी ITP की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है कैंसलेशन की, और जैसे ही कोई न्यूज आती है तो आपसे आपके साथ मैं सबसे पहले शेयर करूंगी, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं ऐसी न्यूज आई। आप इधर उधर के जो सोशल मीडिया के मैसेजेस फॉरवर्ड बाजी हो रही है या फॉरवर्ड हो रहे हैं और आप उनसे घबरा रहे हो या उनसे टेंशन लेकर आपको लग रहा है कि वो कैंसिल हो गया, तो प्लीज मेरी एडवाइस है आपके साथ कि आपके पास जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आती है तो प्लीज एक बार उसे क्रॉस चेक कर लिया करो। IDP का अगर आपने एग्जाम फिल किया हुआ है तो अगर एग्जाम कैंसिल होता है या पोस्टपोन होता है तो आपके पास जिस कैंडिडेट ने एग्जाम फिल किया है उनके पास IDP मैसेज जरूर करता है। और सेकेंड थिंग, एक और तरीका है चेक करने का कि आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां पर चेक कर सकते हो। तो दोनों जगह पर अभी तक कोई भी वेरिफिकेशन नहीं है इस चीज की कि कैंसिल हुआ है या नहीं। हाँ, पंजाब का जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जो माहौल है पंजाब का इस टाइम, वो थोड़ा सा फेमिलियर नहीं है, थोड़ा सा टेंशन भरा है, बट ये इंटरनेट सेवा बंद है, बट एग्जाम कैंसिल की कोई अपडेट नहीं है। सो प्लीज अपनी प्रिपरेशन रखिए, अपनी तैयारी रखो, बिल्कुल भी इधर उधर की अफवाहों से ऐसे घबराओ मत। अपने ये ना हो कि आप सोच के कि वो कैंसिल हो गया एग्जाम और आप अपनी तैयारी करना छोड़ रहे हो, या फिर आपने अभी बुक करना था एग्जाम, आप सोच रहे हो कि हम पंजाब छोड़कर किसी और स्टेट का फिल कर लेते हैं, तो ऐसा मत करो। अभी कल तक मान के चले तो इंटरनेट जो है सर्विस वो क्लोज है, बंद है, बट बाकी की जो सर्विसेज हैं वो अभी चालू है, यानी कि सिर्फ मोबाइल डाटा हमारा बंद है, बाकी जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं लीज लाइन या और सर्विसेज वो हमारी चल रही है। सो आप ये मान के चलो कि एग्जाम होगा और सेम डेट को ही होगा, सो आप उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रखो। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या लेवल रहने वाला है एग्जाम अप्रैल में अगर हम देते हैं तो। अब स्टूडेंट्स के मन में ये बहुत डाउट है कि कौन सी डेट फिल करें, कौन सा सिटी या कौन सा सेंटर हमें फिल करना चाहिए। सबसे पहले सेंटर कोई मैटर नहीं करता, आप किसी मर्जी सेंटर में एग्जाम दे रहे हो, आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है कि आपका बैंड स्कोर क्या आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि उन्हें लगता है कि हमने जलंधर में एग्जाम दिया था तो हमारा बैंड स्कोर नहीं आया, अब लेट्स अपना जो सेंटर है वो चेंज करके देखते हैं, बठिंडा करते हैं या मोगा करते हैं या लुधियाना करते हैं, मे बी हमारा रिजल्ट आ जाए। और बाय चांस अगर किसी एक स्टूडेंट का रिजल्ट आ भी जाता है तो उन्हें लगता है कि यस लुधियाना में स्कोर अच्छा आता है, तो वो क्या करते हैं कि वो दो तीन स्टूडेंट्स को और बता देते हैं कि हाँ मैंने पहले जलंधर दिया एग्जाम, मेरा स्कोर नहीं आया, अब मैंने लुधियाना दिया तो मेरा स्कोर आ गया। तो इस तरह से जो है वो एक साइकोलॉजी बन जाती है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कि लुधियाना में रिजल्ट बेटर आता है, बट ऐसा नहीं होता। आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है कि आपका स्कोर क्या आएगा। अप्रैल में अगर आप एग्जाम देने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप फर्स्ट टू डेट्स में एग्जाम फिल कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टू डेट्स में एग्जाम इजी आने के चांसेस होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जैसे अगर हम मार्च में देखें या फेब में देखें या जनवरी, जितने भी एग्जाम इस ईयर में हुए हैं सब में पहले दो एग्जाम जो है वो सुपर डुपर इजी गए हैं। मार्च की बात लो तो लास्ट एग्जाम जो थर्ड एग्जाम था उसमें थोड़ा सा लेवल अप था, अदरवाइज पहले दो एग्जाम जो है वो इजी थे। अगर आप अप्रैल में एग्जाम देने की सोच रहे हो तो आपको पहले दो डेट्स
को एग्जाम फिल करना चाहिए, और बाकी की अपडेशन जो भी होगी, जो भी प्रेडिक्शन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ही। सो आप मेरे साथ जरूर बने रहिएगा, और इजी आने के चांसेस है डेफिनेटली अप्रैल में भी, क्योंकि अब तक जो लेवल चला रहा है वो एवरेज ही चला रहा है। सो इजी टू मॉडरेट के बीच में ही आपको अप्रैल में भी एग्जाम देखने को मिलेंगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग एंड कीप स्पॉटिंग।